मुहतरम मेहमान, बुजुर्ग आलम दीन, खतीब नुक्तादान, मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उन्हां दे खिताब तो पहला अल्लाह ताला दी हमद बयान करनी चाहिए। बुलंद आवाज़ दे नाल सारे अल्लाह दा नाम बुलंद करो, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब, इतने लाओ इत लाओ मेरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कुल आऊज़ु बिका रब्बी हमज़ाती शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बी श्राहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलु लोकदातम मिल्ले सानी यफकाहू कौली। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल कदीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाहा फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदका रसूलुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म दी हमदो सना तरीफा दिलैक उसल्ला वहदहु ला शरीक दी ज़ात बाबरकात है, जो रब तमाम कायनात दा खालक ते मालिक है। उस वाहदा उला शरीक दी हमदो सना दे बाद लखा और करोड़ा और अरबा हादरूद पैगंबरे खुदा अमाम लंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी जात है। अल्लाह सोने पैगंबर दी जात उते दरूद पाक पढ़न दी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मुसलमानों का पढ़िया होया दरूद अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। सब किताबों के विचों बेहतर किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। सारिया तरीकों तो आला ते अफजल तरीका नबी पाक का तरीका है। अल्लाह पाक अपने कुरान और अपने पाक नबी दे फरमान दे मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयो बुजुर्गो, तुसी जो छोटे बड़े मेरिया मावा पैना अहले गांव वाले अहले बस्ती वाले जो कुरान पाक दिया महफला सुनते हो और अल्लाह दे कुरान और पाक नबी दे फरमान दे नाल मुहब्बत रखते हो, अल्लाह पाक तुहाडा सुनना सुनाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए, अल्लाह पाक मंजूर फरमाए, अल्लाह पाक पूरे पिंड दे उत्ते अपनी खास रहमता नाजिल फरमाए। माशाल्लाह इब्तदा दे अंदर बच्चे ने बड़ी प्यारी नज़म पढ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम दे नामे पाक दे उते पाक पैगंबर दा नामे नामी इसमें ग्रामी ऐसा नाम है जिस दे मतलक अल्लाह खुद कह रहे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहे ने, जेड़ा मेरे पाक नबी दा नाम लेंदा है अल्लाह अपने फरिश्ता नूं हुक्म देंदे ने मेरे फरिश्ते इस बंदे दे नामे माल दे अंदर 40 नेकियां लिख लवो। किन्नियां नेकियां? 40 नेकियां। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एडी शान वाला नाम है और एडी अजमत वाला नाम है और एडे प्यार और मोहब्बत वाला नाम है। अहले दिल बड़ी प्यारी गल करते ने, फरमाते ने हे होर नू, हे होर नू होर दी चाहोवे, किसे होर नू होर दी चाहोवे ते सानू चाओस बदर मनीर दिए। लोगा दे लखा पीर साडा इको पीर जिन्हां दा नामे नामी इसमे ग्रामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे होर नू होर दी चाहोवे ते सानू चाओस बदर मनीर दिए, जिस दे नाम दी शर्म खुदा रखे ते जिदी उंगली चन नू चीर दिए। समझ आउंदी है ना? जिस दे नाम दी शर्म खुदा रखे ते जिदी उंगली चन नू चीर दिए, खारे खूह करे जिदी लब मिठे ते तुम जग विच जिदी तासीर दिए। खारे खूह करे जिस दी लब मिठे, तुम जग विच जिदी तासीर दिए, सुबह शाम समसाम गलांगाम रहना ते शर्मसार उस रब दे हबीब दिए। अल्लाह पाक उस पैगंबर दा सानू सुबह शाम ताबेदार बनाए। 24 घंटे सारी जिंदगी अल्लाह अपने पाक नबी दी इतबा करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाया, जीम जदो मुहम्मद दा नाम लईए, जीम जदों मुहम्मद दा नाम लईए ते 40 नेकियां मिलन सरकार वल्लों।
गूढ़ी होठ मोहब्बत दी पान जफी ते जुदा होना ना चान प्यार वल्लों जुदा मूँह दियाँ सारियाँ एक होवन ते सगों सावे हलक प्यार वल्लों सुमसाम मोहम्मद दावे नाम सोना असा ते लभ लिया कुल कै नात विचों सोने नबी दे नामे नामी इसमें ग्रामी वर्गा कायनात अंदर ना कोई नहीं बेशक अल्लाह ने ऐसा ना पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उता फरमाया है जिदा माना है मुहम्मद दा माना है वे के सारा जहान जी दी तारीफ करे ते तुसी कौन हो उम्मते मुहम्मदिया उम्मते मुहम्मदिया तारीफा वाली उम्मत ते क्यामत दे दिन जेड़ा साडे नबी नू अल्लाह पाक ने झंडा दे ता फरमाना है ना ओदा नाम की है लिवा उल हमद झंडे दा नाम की है झंडे दा नाम लिवा उल हमद जिदे थले ना हजरत ईसा दा झंडा होना है ना मूसा दा झंडा होना है ना यकूब और यूसुफ अलैहि सलाम दा झंडा होना है हमद दा झंडा लिवा उल हमद दा झंडा मेरे और तुहाडे पीर दे हथ दे अंदर होना है फरमाया हमद दा झंडा हथ नबी दे होवना आदम ते ईसा मूसा ओदे थले खलोवना ओथे कईयां लोगां टाई मार मार रोवना पर झंडा नसीब होना नहीं किसी नूं झंडा नसीब नहीं होना अल्लाह पाक ने ऐसा पाक नबी सानू अता फरमाया है जिदी इतबा दे मुतलक अल्लाह पाक फरमांदे ने कायनात वालियो कुल इन कुन तुम तुहिब्बुनल्लाह ऐ मेरे पाक पैगंबर ऐलान फरमा दियो दुनिया जहान दे लोगों के सामने जेकर अल्लाह दे नाल प्यार करना चाहते ने अल्लाह दे नाल मुहब्बत करनी चाहते ने ते सोने कह दो फत्ता बेऊनी यो बिबको मुल्ला ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਿਆਰ ਕਰੇਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਯਗ ਫਿਰ ਲਕੁਮ ਜ਼ਨੂਬਾਕੁਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗਾ ਯਗ ਫਿਰ ਲਕੁਮ ਜ਼ਨੂਬਾਕੁਮ ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਕਰੋ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੋ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਅੱਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਤ ਦੀ ਤਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਦਸਾਂ ਸੁਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਗਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਝ ਸਨ ਸੁਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਹਾਬਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ ਕੌਣ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦਗਾਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਫਰਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸਮ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ ਦੇ
इन्हों का अंग अंग कटा दे, इन्हों दे लाश का मुसला करा दे। हज़रत आसम रज़ी अल्लाह तआला नो अल्लाह की बारगाह के अंदर एक दुआ करते ने, एक दुआ फरमाते ने, या अल्लाह तेरे दीन की हिफाजत दे खातर घरों निकल के आया वा, अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत तू फरमानी है। अल्लाह तेरे दीन की हिफाजत की खातर घरों निकल के आया वा, दीन दी आप यारी वास्ते अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत तू फरमानी है। हजरत आसम रज़ी अल्लाह तआला नो लड़दियां लड़दियां जिस वेले शहीद हो जाते ने, अल्लाह पाक ने डूमना नू हुक्म दे दिता, शहद दियां मक्खियां नू हुक्म दे दिता, माखियों दियां मक्खियां नू हुक्म दे दिता, फरमाया मेरे आसम की लाश का मुआसरा कर लवो। ते मक्खियां ने कीता की, अल्लाह पाक परवरदिगार ने हज़रत आसम दी दुआ सुन ली है। अल्लाह पाक ने डूमना नू कल दिता, जदों मुसला करन वास्ते अंग अंग कटन वास्ते काफर करीब आउंदे ने, शहद दियां डूमना ते मक्खियां डंग लांदियां ने, ते फरमांदे ने वाह सुभान अल्लाह रब आलम, मक्खियां शहद कलाइयां, लाश मुबारक यार नबी दी ते पहरेदार बठाइयां। वाह सुभान अल्लाह रब आलम, मक्खियां शहद कलाइयां, लाश मुबारक पाक नबी दी ते पहरेदार बठाइयां। फरमाया जिस वेले हजरत आसम दी लाश दा पहरा पईयां देंदियां ने, ते अल्लाह वाखदा उला शरीक ने मक्खियां नू डूमना नू पहरेदार बना दिता, ते काफिर लोग कहन लगे चलो दिन दे वक्त ते मक्खियां पहरा पईयां देंदियां ने, रात दे पैणी है ना, असी रात नू आसम दी लाश दा अंग अंग कट लवां दे, मुसला कर लवां दे। अल्लाह पाक परवरदिगार दी कुदरत वेखो, वाह सुभान अल्लाह रब आलम, मक्खियां शायद कलाइयां, लाश मुबारक यार नबी दी ते पहरेदार बठाइयां। जे कोई जालम नेड़े आवे जोरों डंग लगावन, ते काफिर मुशरक जालम पापी नेड़े मूल ना आवन। आंदे ने रात नू मुसला कर लवां दे, रात पई जिस वेले रब ने दे जोरों बारिश बरसाई, पानी दे छल लाश आसम दी रब जन्नत विच पहुंचाई। अल्लाह ने अपनिया मनण वालिया नू नबी दा साथ देन वालिया दा अल्लाह ने मुकाम ही कैसा रखे। इन्हां सुहाबा दे नाल इक सुहाबी ने जिन्हां दे ना हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वे, इन्हां नू हारस काफर दी जेल दे अंदर दिता गया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हूं हारस काफर दी जेल दे अंदर दे दिता गया। हारस काफर आप ते मैदाने बदर दे अंदर कतल हो गया सी। हारस काफर दी लड़की एक दिन कहन लगी, मैं वेखा जिहड़ा साडा कैदी है जेल दे अंदर जिंदा के मर गया है, मैं उन्हूं वेखा तो सही कभी खाण वास्ते कोई नहीं दिता, पीण वास्ते कोई नहीं दिता, मैं वेखा तो सही साडा कैदी जिंदा भी है कि नहीं। जदों दरवाज़ा खोलिया जेल का, तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे सामने वो फल पए ने जिहड़े मक्के विच मिलदे नहीं, वो फल पए ने जिहड़े मिलदे नहीं। अल्लाह ने बेमौसमे ते बेबहारे अल्लाह पाक ने फल अता फरमा दिते ने। उस जेल दे विचों हज़रत आसम नू कढ़िया, ते कहन लगे काफर कहन लगे, दस्सां खुबैब तेरी आखरी तमन्ना ते आरजू की है, असीं तैनू सूली देण लगे हाँ, दस तेरी आखरी तमन्ना ते आरजू की है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला नू फरमांदे ने, मेरी आखरी तमन्ना ते आरजू ए सी, आखरी दमा दे अंदर सोने पैगंबर दे लाल मुलाकात हो जांदी, आमना दे लाल मेरी मुलाकात हो जांदी। हुण सोने पैगंबर मदीने तैयबा दे अंदर तशरीफ फरमा ने, मैं मक्के मुकरमा दे अंदर हाँ, मेरी सोने पैगंबर दे नाल मुलाकात नहीं हो सकनी।
आमना दे लाल दे नाल मेरी मुलाकात नहीं हो सकनी। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला नो फिर कहन लगे केड़ी आखरी तमन्ना ते खास आरजू आ। हजरत खुबैब फरमान लगे मेरी ओह तमन्ना ते आरजू खास है विच मदीने पाक नबी ने ते डेरे ने लाए होए मक्के दे विच काफिरां मैनू घेरे ने पाए होए ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਯਾ ਰੱਬ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਅਰਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਅਖੀਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬਾਂ। ऐ प्यारे उन्हां लोगों नूं सोहणे पैगंबर ले लाल मुहब्बत सी फरमाया या रब खिदमत विच नबी दी ते भेजी सलाम गरीबां अखीरी वेले दीदार नहीं होया मेरिया विच नसीबां। ऐ बादे सुबह जाई शहर मदीने ते दही सुनिया एक मेरा मक्के वालियां दे दिता सूली ते यार खुबैब अज तेरा। ऐ बादे सुबह जाई शहर मदीने टिंडे बह जा जरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਣਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਐ ਬਾਦੇ ਸੁਬਾ ਜਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਯਾਰ ਖੁਬੈਬ ਅੱਜ ਤੇਰਾ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਫਾਏ ਲੱਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ ਦੇਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਾਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਤ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਬੈਬ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੂਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ 17 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਿਓਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਈਏ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਸੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਵਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਏ ਸੁਨਤ ਅਲ ਜਮਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਏ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਰ ਮੈਤਾ ਮਾਰ ਮੈਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰੁਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕਲਾਮੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਮਾ ਅਰਸਲਨਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
सुनिया करी जा रहा है। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने मटी सटी है, सारे दे सारे काफर ने हो गए। अल्लाह दी हमद अल्लाह दी सना कर दे, सोने नबी निकल जाते ने मदीने की तरफ, ते पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते ले सोने मट्टी छड़ के इन्हों तुसा ने अन्या किया, मैं किया किन्ने किया अल्लाह ने अन्या किया है। फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्कियों निकले ने फरमाया मिट्टी दी मोठे एक भरी प्यारे ने काफरां वल सटी होए अन्ने गए सारे ने निकल गए उतों कर दे हमद कदीर दी चोक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे वल्लो मुड़ मुड़ पै वेखण लाले हिंजू ने केरियां चुक लिया रब साडियां रिजक दियां टेरियां, बैतुल्लाह करसा ना करसा हुण मैं ज़ियारतां तेरियां, मौला नूं मलूम है बात तकदीर दी चोक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे वल्लों मुड़ मुड़ पै वेंदे ने फरमांदे ने बैतुल्लाह मेरा जी ते करदा सी तेरे अंदर मैं नमाज़ां पढ़ां, बैतुल्लाह दी कैसी शान अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, कैसा मुकाम अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह नूं अता फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमान दी हालत दे अंदर जिहड़ा बंदा बैतुल्लाह दी ज़ियारत कर लैंदा है अल्लाह वाहदा उला शरीक उस बंदे दे सबका गुनाह ही माफ़ फरमा दें। जड़ा बंदा हज करके बैतुल्लाह दा वापस आउंदा है फरमाया अल्लाह पाक उन्हूं गुनाहां तो इंज पाक कर देंदे ने अमान दी हालत दे अंदर, फरमाया गुनाहां तो अल्लाह पाक उस बंदे नूं इंज पाक कर देंदे ने जिवें मां दे शिकम विचों अज ही पैदा होया। उस बैतुल्लाह दे वल्लों सोहणे पैगंबर मुड़ मुड़ पै वेंदे ने मुड़ मुड़ पै वेखण नाले हिंजू ने केरियां चुक लिया रब साडियां रिजक दियां ढेरियां, बैतुल्लाह करसा ना करसा हुण मैं ज़ियारतां तेरियां, मौला नूं मलूम है बात तकदीर दी। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ मुड़ के बैतुल्लाह दे वल्लों रवेंदे जा रहे ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले बैतुल्लाह दे विचों निकले ने ते नबी अलैहि सलाम मदीने दी तरफ रवाना हो गए ने, लाल हज़रत अबू बकर सदीक नूं लिया। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नूं कदी नबी पाक दे अगे चलते ने कदी पिछे चलते ने, सोहणे पैगंबर अपनी पाक जबान दे विचों फरमाते ने अबू बकर जां दे अगे चला जा जां पिछे चला जा। फरमाया अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नूं फरमाते ने अल्लाह दे पैगंबर मेरा जी करदा जे अगो काफर आवे तावी अगे अबू बकर होवे, जे दुथों पिछों दुश्मन आवे ते पिछे भी अबू बकर होवे। सोहणिया रब तुहानू बचा लवे, तुहाडा इक वाल भी विंगा ना होवे। ए प्यार है मुहब्बत है जंगे बदर दे अंदर हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा पुत्र हज़रत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु अजे कलमा नहीं पढ़िया। हज़रत अब्दुर्रहमान काफरां दी लामे वे हज़रत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त मुसलमान होए ने ते अपने बाप हज़रत अबू बकर सदीक नूं फरमांदे ने अबू जी जंगे बदर दे अंदर मेरी तलवार दे सामने तुसीं कई दफा आउंदे सो, मैं तुहानूं अबू जी समझ के माफ कर देंदा, मैं तुहानूं अबू जी समझ के माफ कर देंदा सा। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने मेरे पुत्र तू ते मैनू अबू जी समझ के माफ कर देंदा सा, कदी मेरी तलवार दे सामने तू आ जांदो तेनू मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा दुश्मन सर समझ के तेरा सर जिहड़ा है मैं तन दे नालों जुदा कर देना सी। अल्लाह पाक ऐलान फरमांदे ने मोमना वास्ते मुसलमानो ते मोमनो कुल इन काना आबाउकुम वा बनाउकुम वा इखवानुकुम वा अज़वाजुकुम वा शीरातुकुम अमवालो लिक तरफ तो मुहा व तजारतुन तखशौना के सादहुमा व मसाके न तरज़ौनुहा अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी ही फता रब्बा सु हता याते अल्लाह बे अम्रे ही वल्ला होला यादिल कौमल फासे की। कुल इन काना आबाउकुम
ऐ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर ले ओ, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। फरमाया जब तक अपने बाप नालों ज्यादा मुहब्बत नबी दे फरमान नाल नहीं, उन्नी देर कोई बंदा मुसलमान नहीं। फरमाया जब तक अपने बेटियां दे नालों ज्यादा मुहब्बत नबी दे फरमान नाल नहीं, कोई बंदा मुसलमान नहीं। फरमाया जब तक अपनी बीवी दे नालों अपने रिश्तेदारां दे नालों ज्यादा मुहब्बत नबी दे फरमान नाल नहीं, ते उन्नी देर कोई बंदा मुसलमान कोई बंदा भी मुसलमान नहीं। नबी पाक दे सहाबा नू नबी पाक दे नाल मुहब्बत है, पाक पैगंबर दे फरमान दे नाल मुहब्बत, सुबह भी मुहब्बत, शाम भी मुहब्बत, लैलो नहार भी मुहब्बत, रोजाना मुहब्बत, सारी जिंदगी मुहब्बत। नबी पाक दे सहाबा नू सोने पैगंबर दे नाल आमना दे लाल दे नाल मुहब्बत करन वालियां औरतां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद दे वास्ते तैयारी कीती। एक मां छोटा जिहा बच्चा लैके नबी पाक दी खिदमत विच हाजिर होई, कहन लगी अल्लाह दे रसूल है बच्चे नूं कबूल फरमा लो। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने मां जी मुसलमानां दी तादाद ते अगे बिल्कुल थोड़ी है, असीं इस बच्चे दी हिफाजत करांगे कि काफरां नाल जिहाद करांदे। फरमाया बीबी इहनूं बच्चे नूं अपने घर लै जो, तुहाडी खिदमत करे दे, तुहाडी खिदमत करे बच्चा। बीबी बोल के कहन लगी, मां जी बोल के कहन लगियां, फरमाया अल्लाह दे पैगंबर मेरा जे कोई वड्डा पुत्तर हुंदा ते मैं तुहाडे नाल भेज देंदी, मेरा होर पुत्तर भी कोई नहीं, होर मेरा भाई भी कोई नहीं, ऐसा रिश्तेदार भी कोई नहीं जिहनूं मैं तुहाडे नाल भेज दियां। सोहणिया मेरा जी करदा है कल क्यामत दे दिन जदों शहीदां दियां मावां नूं आवाज़ वजे उदों मेरा भी नाम विच दर्ज हो जाए। सोहणिया मेरा जी करदा है इस बच्चे नूं नाल लै जाओ, जदों काफर ते जालिम पापी तुहानूं तीर मारन दे मेरे बच्चे नूं अगे कर लिया जे, तीर वज के बच्चा शहीद हो जाएगा। सोहणिया कल क्यामत दे दिन शहीदां दियां मावां विच मेरा भी नाम दर्ज किया जाए। जंगे ओद तैयारी कीती ते जदों रसूल लाई, जंगे ओद तैयारी कीती ते जदों रसूल लाई, एक माई दा इको वे बेटा ते पास रसूल लियाई। मौलाना साहब बड़े मुकदरां वाले हो माशाल्लाह, साडे अरगना दे आलमे दीन चक चौधरी दे हफ साहब माशाल्लाह, विन्नी आले अल्लाह दी रहमत दे नाल बुग्गियां आले इर्द गिर्द दौण वाले सारे मेरे भाइयां दा उहनां अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। आमीन। जिहड़ी तुसां नेकी दे वास्ते माशाल्लाह बुलाया, हज़रत मौलाना सैयद सुबतैन शाह साहब नकवी नूं दुआ करो सैयद साहब अल्लाह करे ते जल्दी आ जाण। मेरी भी दिल की तड़प है और सारे की तड़प है कि सैयद साहब का बुलाए बयान होए, अल्लाह सैयद साहब नू खरीयत दे नाल जल्दी नाल अल्लाह पाक ले आवे। आमीन। हाँ जी। फरमाया जंगे ओद तैयारी कीती ते जदों रसूल लाई, एक मां दा इको वे बेटा ते पास रसूल लियाई। खिदमत अंदर हाजिर हो कर ते अदबो अर्ज सुनाया, माई कहा मेरा एहो माल खजाना मैं चोली तेरी पाया। नबी कया रख खिदमत अंदर ते ना कर एड दलेरी, माई कया पस मैनू काफी हुब मुहम्मद तेरी। उन्हां लोगां नूं नबी पाक दे फरमान दे नाल मुहब्बत सी और पाक पैगंबर नाल प्यार दे उल्फत सी, जिन्हां ने अपने तन मन धन ते बेटे भी कुर्बान कर दिते, बेटियां दीआं कुर्बानियां नबी पाक दी खिदमत दे अंदर पेश कर लितियां। सोने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मक्के वालिआं ने मजबूर कर दिता, नबी अलैहि सलाम मदीने दी तरफ रवाना हो गए। जिस वेले मदीने दी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए ने ते अनसार कौम दीआं छोटियां छोटियां बच्चियां ने ते नबी पाक दी आमद दे गीत पईआं गाउंदियां ने, आंदियां की ने, वेखो नी अड़िए सोहणा आया लैंदा हलारे नी
ਨਹੀਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਜਿਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬੂਏ ਨੂੰ ਚਾ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਚੋਗ ਵਸੇਂਦੀ ਡਿੱਠੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਆਇਆ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਆਇਆ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮੇ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਜਦ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਨਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਚੀਰ ਦੀ ਚੋਗ ਵਸੇਂਦੀ ਡਿੱਠੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਰਕਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੋਹਣੇ ਰਕਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਚਮਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਤਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਲਾਟ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨਰਮ ਹੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਹਰੀਰ ਦੀ ਝੋਗ ਵਸੇਂਦੀ ਡਿੱਠੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮਹਿਬੂਬੇ ਕੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਖਤਮੇ ਰਸੁੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਰੰਗ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਚੰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੋਹੀਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਮੱਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋੜ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣ ਲਵੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕੈਸਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤੇ ਕੈਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਕੈਸੀ ਠਾਲਟੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਲਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗਾ ਤੰਬੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਬੁੱਢੀ ਏ ਮਾਲ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜ਼ਈਫ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਦੁੱਧ ਨਾਲ
ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਖਿੱਚਿਆ ਖੁੱਚਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜਦੀ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਲੈ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਤੀਲੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਤਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੀਰ ਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੰਗੀ ਫਾਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹੇ ਬੁਰਾਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪੀਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੰਦਕ ਖੋਲਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਉਠਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਬੀਆ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੱਧਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਬੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਥਰ ਬੱਧੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੌੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੀ ਬੀਵੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਿਆ ਦਿੱਤੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿੱਡਿਆਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਾਵਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਿਓ ਲੋਗੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ 6 ਹੱਕ ਨੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਲਫਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਣਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਵਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਲੱਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੈਸੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਲੱਭ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਲਈ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 1500 ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 1500 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਟੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੇ 1.25 ਸਿਰ ਦਾਣੇ ਸੀ, 1200-1300 ਫੌਜੀਆਂ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਥੁੱਕਿਆ ਹਾਂਡੀ ਕਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕੀਰ ਦੀਆਂ। ਆ ਜਾ ਐਲ ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਬੇਲੀਆ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੀ ਬਦਰ ਮਨੀਰ ਦੀਆਂ। ਵਜਾ ਆਸਾ ਤਾਂ ਅਜਬ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਫੇ ਫੌਜ ਮੁਹੰਮਦੀ ਤੰਗ ਹੈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਿਓ ਦੁੱਧ ਰਜਾਇਓ ਸੂ,
से फौज मुहम्मदी समझ आउंदी है ना पई, से फौज मुहम्मदी तंग आई सी, एक प्यालियों दुध रजायो सू, रोटी जवां दी एक सुहाब आंदी, सारी फौज नू तुआम खुआयो सू, रोटी जवां दी एक सुहाब आंदी, सारी फौज नू तुआम खुआयो सू, पानी सफर दे विच जा खत्म होया, जंगे तबूक दा वाकिया जे जंगे तबूक दा, पानी सफर दे विच जा खत्म होया, ते सने घोड़ियां रज पलायो सू, सतार बख्श क्यों ओ हशर नू परेशान होवे, जिन्नू अपने संग हर लायो सू, दुआ करो क्यामत दे दिन अल्लाह अपने नबी दा संग अता फरमा दे, नबी दा साथ अता फरमा दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दे नाल जिन्नू मुहब्बत होई, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन अहब्बा सुन्ना थी, हाफिज मीर हमजा साहब मन अहब्बा सुन्ना थी, सोने नबी ने फरमाया जिन्हें साडी सुन्नत दे नाल मुहब्बत की मन अहब्बा सुन्ना थी, फकद अहब्बा नी उन्हें मेरे नाल मुहब्बत की थी, व मन हब्बानी काना माही या फिल जन्नत, हजूर फरमांदे ने जिन्हें साडी सुन्नत नाल मुहब्बत की थी उन्हें साडे नाल मुहब्बत की थी, जिन्हें साडे नाल मुहब्बत की थी क्यामत दे दिन साडे नाल जन्नत च, इस तरह होगा जिवें इन्हां दो उंगलियां दा फर्क है, यानी कि एक उंगली छोटी है ते एक बड़ी है, फरमाया जिन्हें साडी सुन्नत दे नाल मुहब्बत की थी वो जन्नत दे अंदर साडे नाल होएगा, वो जन्नत दे अंदर साढ़े नाल होएगा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने अपनियां दो बेटियां दी शादी साड़ी उम्मत साड़ी सुन्नत दे मुताबक कीती, फरमाया ओ बंदा भी साढ़े नाल जन्नत च होएगा, जन्नत दे अंदर साडे नाल होएगा। मैं अपने पाक पैगंबर ली बात सुना रहा सा, सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दी तरह रवाना होए ने, काली कमली वाले जिस वेले मदीने दी तरह रवाना होए ने, एक यहूदी खजूर तेला चढ़ के फल पिया लांदा है, ते दसना है जू के काफला लगाउंदा है, बड़ी शौक शौनो शक तू शौक वाला है, बड़ी बड़ी अल्लाह पाक ने काफले नू ठालती दे मुकाम अता फरमाया है, आखनी इनी गल सू ते नबी पाक दा कलमा जुबान चो जारी हो गया। हजरत तकरीबन हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला वल कलमा पढ़ गए ने खजूर ते चढ़ी, तुरात ते इंजील दे आफसान हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहरे नबूवत जड़ी कुगी दे आंडे जितनी दी नो मोहरे नबूवत वेख के हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला नो ते अल्लाह दियां रहमतां हो गईयां, नबी दे साथी बन गए, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दियां खुशियां मदीने वालियां नू इतनियां होईयां इतनियां होईयां के हद तो ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम दी आमद दियां खुशियां जड़ियां कोई महल पिया बन विखांदा है, कोई कोठी पिया विखांदा है, कोई जायदाद पिया विखांदा है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो उन्हें उन्हां दी बीवी कहन लगी वे अबू अय्यूब जा तू ही नबी दी खिदमत है सवाल कर के सोने नबी अज साडे घर आउण, ते हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला नो जड़ी गल की थी है मेरे भाईओ गल दे वल तवज्जो करया जे, हजरत अबू अय्यूब फरमांदे ने मेरी ये बीवी है कोई कोठियां प्या विखांदा है, कोई मुरब्बे प्या विखांदा है, कोई खुलियां हवेलियां ते जायदाद प्या विखांदा है, ते मैं गरीब ते आजिज सोहणे नबी नू की विखावां, जे दौलत वा दौलत वालियां कर नबी पाक ने आउणा है ते मेरे कोल दौलत कोई नहीं, मेरे जिड्डा मदीने दे अंदर कंगाल कोई नहीं, ते जे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौधरियां दे घर आना है तां मेरे कोल चौधर कोई नहीं दौलत कोई नहीं, ते जे गरीबां दे घर आना है ते मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं मेरे वर्गा कंगाल कोई नहीं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला नो जिस वेले अपने आप नू आजिज कर लिया अल्लाह पाक ने कैसियां शाना अता फरमाइया, हजरत अबू अय्यूब नू चौधरियां दे घर छड़ के दे डाची नबी पाक दी हजरत अबू अय्यूब दे घर आके बह जांदी है, ते नाल ही फरमांदे ने हमद तरीफा तेनू मौला ते तेरे ने भरे खजीने, मेरे जिहा गरीब ने कोई ते अंदर शहर मदीने। गल दी समझ आ रही है ना,
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰੀਏ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਦਬਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੇ ਵੱਜਣ ਜਦ ਕਦ ਨੀਵਈ ਆਵੇ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਦਬਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੇ ਵੱਜਣ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦ ਨੀਵਈ ਆਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਦ ਤਰੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰੇ ਨੇ ਖਜ਼ੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖਸ਼ੈਰ ਮਦੀਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਰ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਲ ਨੀ ਬੇਮਾਲਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਸਵਾਲ ਨੀ ਸਵਾਰੀ ਘਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਦੇ ਘਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਤਯਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ 10,000 ਸੁਹਾਬੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ 10,000 ਸੁਹਾਬਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹਾਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਏ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਨੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਸਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੀ 6,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਮਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਨੀ ਸ਼ੀਮਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਸ਼ੀਮਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਤਰਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਖਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਨਮਾਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਚੇਰੇ ਦਰਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਪਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਪੀਰ ਵੇ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਚੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਬਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਲੀ
हलीमा दिया जाई, मैं हलीमा दिया जाई, ते ओ तेरी ये दाई, ओ भी दाई ते मैं भी दाई, नाल दावे दिया आई। आज वे वीरा, आज वे वीरा मैं कह दी हो के, आज वे वीरा मैं कैदन हो गए, आईया तेरे बेचे दीवारे, ए गल सुनकर छम छम रो पाए, ते पाक रसूल सुहारे, मोढ़ियां उतों ला कर कमली, मोढ़ियां उतों ला के कमली, ते पाक रसूल लाई, ख्याल करे आजे, मोढ़ियां उतों ला के कमली, ते पाक रसूल लाई, हेठ बिछाई है शीमा दे कारण, ते अदबा नाल बिठाई, मोढ़ियां उतों ला के कमली, पाक रसूल लाई, हेठ बिछाई है शीमा दे कारण, ते अदबा नाल बिठाई। नफरत कीती सुहाबा हजरत, ये गैर मजहब दी ये माई, ते कमली पाक मुजम्मिल हजरत, क्यों इस दे हेठ बिछाई। नबी कहा ना नफरत करो जे, ये रब ने वे टोर ले आंदी। नबी कहा ना नफरत करो जे, ये रब ने वे टोर ले आंदी, ते ए जे मेरी भैन रजाई ते मैनू रही खडांदी, ए जे मेरी भैन रजाई ते मैनू रही खडांदी। फरमाया पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता सुहाबा तानी, ते पाक रसूल सुहारे, अदबो एहतराम शीमा दे पारों, आ छड़ दियो कैदी सारे। गल दी समझ आ रही है ना, दिता हुक्म सुहाबा तानी, ते पाक रसूल सुहारे, अदबो एहतराम शीमा दे पारों, आ कैदी छड़ दियो सारे, जल्दी छड़ दियो कैदियां तानी, ते जद हुक्म सुनाया भैन शीमा सने कैदियां सुन के कलमा बोल सुनाया, 6000 ला लश्करे सारे दा सारा कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जांदे ने, ते जदों मुसलमान हो गए ते हुक्म दिता सुहाबा तानी, पाक रसूल सुहारे, अदबो एहतराम शीमा दे पारों, आ छड़ दियो कैदी सारे, जल्दी छड़ दियो कैदियां तानी, जद हुक्म सुनाया भैन शीमा सने कैदियां सुन के कलमा बोल सुनाया। मोमिन हो गए कैदी सारे, गए घरां वल पाई, एक महीना रखिया कोल शीमा नू, पाक रसूल इलाही, बाद महीनो भैन नबी दी करके घर वल तसवर तैयारी, अदबो एहतराम शहर मदीना ते वेखे भैन प्यारी, अदबा नाल नाल अदब दे नबी ने भैन नू टोरिया, काफी माल दलाया, विच तफसीर मुहम्मदी अंदर तेरा भी जिक्र ले आया। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकरमा दी तरफ रवाना हो गए ने, सुहाबा नबी पाक दे नाल ने, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरे सुहाबा गल सुन लो, मेरे सुहाबा गल सुन लवो, फरमाया मक्के दे दुआले, मक्के शहर दे दुआले अग बाल दिती जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुहाबा जड़े ने दो दो चार चार जने हो गए, मक्के दे दुआले अग बाल दिती गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे अंदर सिरियां तल दिता, फरमाया मक्के वाले हो मेरे नाल तुसा बड़िया ज्यादतियां कीतियां, मैनू सारियां याद ने, फरमाया सुबह मैं तुहाडे नाल जहाद करना जे, लड़ाई करनी है, फरमाया जिद्दियां होना जे हो लिया जे। नबी पाक ने पैगाम मक्के दे अंदर भेज दिता, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले पैगाम भेजिया, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरे सुहाबा गल सुन लवो, शाम दे वक्त नबी पाक दा सौरा हजरत उम्मे हबीबा दा बाप अबू सुफियान नबी पाक दे सुहाबा दा लश्कर वेख के मुसलमान हो गया,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकम फता मक्का वाली रात जरा खुतबा अरशाद फरमाया है सोने ते चांदी दे पानी दे नाल वो खुतबा लिखिया जाए ता भी आकदा नहीं हुंदा। पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा 12,000 ला लश्कर है साडा, फरमाया मक्के दे 4 बाजार ने, 3,000 एक बाजार ले विचो गुजरना है, 3,000 एक बाजार ले विचो, 3,000 एक बाजार ले विचो, 3,000 एक बाजार ले विचो। उस वक्त दे अंदर मक्के दे 4 बाजार सन। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा गल सुन लवो, मक्के दा चौधरी अबू सुफियान मुसलमान हो गया है, जेड़ा एदे घर मक्के दा बंदा वड़ जाए ओनू कुछ नहीं आखना। मेरे सहाबा बुढ़िया नू कुछ नहीं आखना, बच्चिया नू कुछ नहीं आखना, औरतां नू कुछ नहीं आखना। मेरे सहाबा तलवार चलांदे अपनी तलवार रोकनी है, फरमाया अल्लाह दे पैगंबर ओ किस तरह, फरमाया पहला अपनी तलवार दी वार तुसां नहीं करनी, अपनी तलवार दा वार फरमाया तुसां नहीं करना। फरमाया बुढ़िया नू कुछ नहीं आखना, बच्चिया नू कुछ नहीं आखना, औरतां नू कुछ नहीं आखना। फरमाया जिथे 4 बंदे कट्ठे खड़े होए उन्हां नू कुछ नहीं आखना, जेड़ा जहाद कर लिया तलवार सट दे ओनू कुछ नहीं आखना, जेड़ा तलवार सट दे ओनू कुछ नहीं आखना। मेरे सहाबा गल सुन लवो, फरमाया बैतुल्लाह दे अंदर जाना है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीयत दे नाल अल्लाह पाक ने मक्के तो फतह अता कर लीती है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला नो जिस बाजार च आए ने 12-14 काफर जड़े ने कतल हो गए ने, 3-4 सहाबा शहीद हो गए। नबी अलैहि सलाम दी सवारी है बैतुल्लाह दे अंदर आ जांदी है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ मक्के वालियो लियाओ हां बैतुल्लाह दीयां चाबियां किदे कोल ने। फरमाया वह भी वक्त सी जदों बैतुल्लाह दियां चाबियां नबी अलैहिस्सलाम नूं बैतुल्लाह दे अंदर नमाज नहीं पढ़न देंदे। अबू जाल जालम बेईमान गंदा कमीना एडा कमीना, सोने पैगंबर बैतुल्लाह दे अंदर नमाज अदा पा करदे ने, ऊंठनी ज़िबा करके ओजरी कढ़ के ते मेरे नबी दे कंधियां ते रख दित्ती है। हजरत फातमा नू किसे ने जाके दस दिता, फातमा बैतुल्ला दे अंदर जाके अपने अबू जी दा हाल वे लवो। हजरत फातमा आईया बैतुल्ला दे अंदर नबी पाक दे उतो गोबर वाली गंदी ओजरी जड़ी है लामे कर दिती है ते नाल हजरत फातमा फरमांदियां ने अबू जी जेड़े मसले तुसी इन्हां नू दस दे हो सानू धीआं नू दस लिया करो, असी आप मन्नांगियां, असी आप अमल करांगियां। फरमाया फातमा तुहाडे अबू मुहम्मद दियां मजबूरियां बन गईयां ने कि अल्लाह दी तौहीद कोने कोने ते पहचानी है, मक्के दे अंदर, मदीने दे अंदर, शाम दे अंदर, हनैन दे अंदर, कुल मुल्कां दे अंदर। अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया तूं ऐलान कर देना है ते मैं अरशां वाला रब खुद ही ऐलान कर लियांगा। वरफाना लाका जिक्रक, सोनिया जिथों तक तेरा ऐलान जांदा है तू ऐलान कर दे, बाकी मैं आपे ऐलान कर लूं। महबूब जी तुसी ऐलान कर लियो। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले मक्के बैतुल्लाह दे अंदर दाखिल होए ने ते सोने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाची दे उत्ते सवार ने, काली कमली वाले मेरे वल्लों वेख्या जे फतह मक्का वाले दिन सोने पैगंबर ने काले रंग की पग बद्धी है ते दोवे शंगले पिछा पे लटकदे ने, नबी पाक की दाढ़ी मुबारक ऊंठनी दे पलाने नाल पी लगदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन ढोल बजाए कंजर चाहे सोने नबी ने नहीं, सानू मिंबरी तो फतह हुंदी है, ML ते MEA MPA बनने आ, मीना मीना गुआंढियां नू वक्त पै जांदा क्यों जी, इंजी है ना, फायरिंग करने आ नजायज असला चलाने आ, नबी पाक दे रब दे कुरान दी नबी पाक दे हुक्म दी मुखालफत करने आ। सोने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी दा मुकाम है ते अल्लाह दे पाक पैगंबर खुतबा अरशाद फरमा रहे ने, फरमाया मक्के वालियो मैं तुहानू जानना वा तुसां मेरियां धीआं दे नाल ज़ियारतियां कीतियां,
मेरिया तिया दे ज्यादतियां कीतियां, फरमाया मेरे ते गंदियां ओजरियां लुदियां। मैनू याद है, मैनू मजनू आख्या तुसा मैनू याद है, मैनू दीवाना ते पागल आख्या, मैनू सारियां गल्लां याद ने। काली कमली वाले फरमांदे ने डाची दे उपर सवार ने सोने पैगंबर ने खुतबा अरशाद फरमाया, फरमाया अल तो मुतलाका ला तसरीबा लई को मुल यौमा यग फिर उल्ला। वो जाओ मक्के वाले, मैं अज तुहानू उही अल्फाज कहना वा जेड़े मेरे वीर यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भरावां नू आखे सन। वो जाओ मैं तुहानू माफ कीता, हुण लिया बैतुल्लाह दीआं चाबियां किदे कोल ने। हजरत इस्मान बिन तला रजी अल्लाह तआला नूं आउंदे ने, फरमाया अल्लाह दे रसूल चाबियां ले लवो। नबी अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इस्मान बिन तला दे कोलों चाबियां ले लईआं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, लै इस्मान बिन तला चाबियां ले लै, कियामत तक तुहाडी पुछते ची रहण दीआं। हजरत इस्मान बिन तला नूं चाबियां मिल गईयां। नबी अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा अरशाद फरमाया, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने वैसी हजरत मीर हमजा दा कातल आया। नबी पाक ने उन्हूं भी माफ कर दिता। हिंदा ने हजरत मीर हमजा दा कालजा कढ के ते दंदा दे नाल चिपकिया। नबी पाक ने हिंदा नूं भी माफ कर दिता। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने काफर आ रहे ने, नबी पाक धड़ाधड़ काफरां नूं माफ़ फरमा रहे ने। अबू जाल दा पुत्र इकरमा जड़ा है इलाका छड़ के दे नस्या जा रहा है, कश्ती दे उत्ते सवार हो गए। जदों दरिया दे अंदर गया, जिस वेले अबू जाल दा पुत्र इकरमा दरिया दे अंदर जांदा है ते कश्ती जड़ी है डको डोले खान लग पई। जे वेख्या जे कश्ती डको डोले खान लग पई, कदी उधे जांदी है कदी उधे जांदी है, ते मलाह कहिंदा पकारो मुहम्मद दे रब नूं, पकारो मुहम्मद दे रब नूं जे बल्ले निकलना जे ते। ते हजरत जिस वेले हजरत इकरमा कहन लगे दरिया दे अंदर मुहम्मद दे रब नूं पुकारना है, ते मलाह कहन लगा हां साडे लात ते उजा जड़े ने खोबे दे पैड़े ने, खोबे दे पैड़े ने, इथों कश्ती बल्ले लानी है ते मुहम्मद दे रब ने लानी है, मुहम्मद दे रब ने लानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पकारो मुहम्मद दे रब नूं जे बन्ने निकलना जे। अबू जाल दा पुत्र इकरमा वापस आ गया, कश्ती वाले नूं कहन लगा पिछा मोड़, पिछा मोड़। जदों कश्ती लैके पिछा आ गया, नबी पाक दी खिदमत दे अंदर हाजिर हो गया। फरमाया सोनिया अंज करके तुहाडा नां सुन के ते नस्या वी सां, क्यों मेरे बाप ने तुहाडे नाल बड़े जुलम ते ज्यादतियां कीतियां सन, सोनिया इस वजह तो नस्या सां। अल्लाह दे रसूल हुण आ गया वा, भावें रख लो ते भावें शहीद कर दियो कतल कर दियो जिवें तुहाडी मर्जी है। नबी पाक ने इकरमा नूं भी माफ कर दिता ते फरमांदे ने दौड़ पई नू अबू जाल कुफार दी, चढ़ गई पहाड़ी उत्ते वाजा पई मार दी। दौड़ पई नू अबू जाल कुफार दी, चढ़ गई पहाड़ी उत्ते वाजा पई मार दी। वे किथे गया इकरमा तेरी किस्मत पई हार दी, आ सुन तकरीर चल के जगां दे पीर दी, आ सुन तकरीर चल के जगां दे पीर दी। की तकरीर सुना, फरमाया हिंदा नू माफ कीता, बदवी सीने नाल लाया सू, चाचे दिया कातला नू माफ फरमाया सू। फरमाया नबी पाक ने हिंदा नू भी माफ कीता, वैशी नू माफ कीता, सारे मक्के वालियां नू माफ कर दिता है। फरमाया हिंदा नू माफ कीता, बदवी सीने नाल लाया सू, चाचे दिया कातला नू माफ फरमाया सू, चाचे दिया कातला नू माफ फरमा दिता। पाक पैगंबर ने जदों फतह मक्का वाले दिन सारे लोगों नू माफ कर दिता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें ग्रामी मक्के दा एक बहुत बड़ा काफर मालदार सी, काफर बड़ा एक मालदार सी जिदा नाम अदी बिन हातिब ताई सी, जड़ा बड़ा सही बंदा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमद सुन के ते अदी जड़ा हातिब ताई दा पुत्र सी मक्का छड़ के पहाड़ां च नस गया,
कि मेरे बाप ने मुहम्मद दे नाल ज़ियातियां कीतियां ने, हुण मैनू बदले देने पैण दे, मैं इलाका छड़ के नस जाना वा, मैं इत्थों टुर जाना वा। जिस वेले टुर गया जंगलों के पहाड़ों के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौजी जाते ने, अदी की भैन नूं गिरफ्तार कर लिया, अदी दी भैन नूं सफाहा नूं गिरफ्तार जिस वेले कर लिया, पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फौजियां ने जदों गिरफ्तार कर लिया, ते सोहणे पाक पैगंबर ने कोल लै गए सफाहा नूं, नबी पाक दे कोल लै गए, ते नबी अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाहा दा नंगा सिर वेख्या। की वेख्या? सफाहा दा नंगा सिर वेख्या। ओ या अय्यो हल मुजम्मल दी कमली, काली कमली वाले पैगंबर ने सफाहा दे पैरां तले विछा दित्ती। सुहाबा कहन लगे, अल्लाह दे पैगंबर, ये कमली जड़ी है बड़ी शानो शौकत वाली है, जिदा कुरान पाक ने तज़करा बयान फरमाया है। सोनिया या अय्यो हल मुजम्मल दी कमली जड़ी है, तुसा इस मुशरक दी धी दे थले विछा दित्ती है। नबी पाक ने फरमाया, मेरे भाईओ बुजुर्गो तियां गल सुन लिया जे, परे दे बंदे ओ परे दे बंदे गल सुन लिया जे। नबी पाक ने किड्डी दिनाई दी गल कीती। सोहणे पैगंबर फरमांदे ने, मेरे सुहाबा, मैं मुहम्मद दीआं नज़रां दे सामणे उही लड़की मुसलमान दी लड़की दी इज्जत है, उही काफर दी लड़की दी इज्जत है। नारा तकबीर शेरे पंजाब, हजरत मौलाना सैयद सुजैन शाह साहब नकवी, हजरत मौलाना सैयद सुजैन शाह साहब नकवी जिंदा। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सफाहा दा सर नंगा वेख्या, या अय्यो हल मुजम्मल दी कमली, आमना दे लाल ने सफाहा दे थले विछा दित्ती है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह दे पाक जी पीर मुर्शिद, मैं ते आम अपने सजदा नूं गल कहिंदा हुंदा वां, जो हुक्म सैयद सुल्तान करे अनकार ना मुसलमान करे, जो हुक्म सैयद सुल्तान करे अनकार ना मुसलमान करे, जो हुक्म सैयद दा मोड़े दा वो अपना बेड़ा रोड़े दा, कर अदब सैयद दे जोड़े दा, है दुनिया विच सरदार सैयद। माशाल्लाह अल्लाह दियां रहमतां हो गईयां ने, माशाल्लाह खुशियां खुशियां हो गईयां ने। लवेरे वालिओ तुहानू मुबारकां होण, तुहानू सारिआं नू मुबारकां होण। हाँ जी, सफाहा जिस वेले पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, नबी पाक दे सहाबा गिरफ्तार करके लै जांदे ने, ते आमना दे लाल नूं सफाहा बोल के कहन लगियां, अल्लाह दे पाक पैगंबर, अल्लाह दे पाक पैगंबर, जरा तवज्जो रखो। शाह साहब दो मिनट साह लैन लगे ने, इंशाल्लाह नमाज मेरे ख्याल पढ़न लगे ने, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह तुहाडी खिदमत दे अंदर जल्दी हाजिर हो जाण दे। साडा वी जी करदा कि शाह साहब खिताब करन दे, असीं सुणीए। आलम दीन का जी कर गए, असी आलम लोग कहने कि शाह साहब स्टेज से हो, असी माशाल्लाह थले हो भी शाह साहब वरां दा खिताब सुनीए। अल्लाह सुन सुना के अल्लाह अमल की तफीक अता फरमाए। जिस वेले नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली वाले दे सुहाबा ने सफाहा नूं गिरफ्तार करके लै आंदा, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर कहन लगियां, फरमाया अल्लाह दे पैगंबर, मेरा बाप सही सी, तुसी मेरे वास्ते सही बन जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहन लगियां, अल्लाह दे रसूल, इहदी मिसाल ए वे कि मेरे घर बाप दे घर, मेरे भाई दे घर मैनूं वापस लुटा दिता जाए, पहुँचा दिता जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुहाबा ने, नबी पाक ने सुहाबा नूं हुक्म दिता, सफाहा नूं इहदे बाप दे घर पहुँचा दिता जाए। नौजवान सुहाबा ने जिस वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुहाबा घर लै के गए ने, अदी दे कोल लै के गए ने, ते अदी डुल पिया। तवज्जो करिया जे मेरे वीर भाईओ, चंद मिनट वास्ते तवज्जो करिया जे। अदी डुल पैंदा है, आंदा है, नहीं मेरी ये पैणे, आ जिहड़े तेरे नाल नौजवान आए ने, इहनां तेरी इज्जत भी महफूज नहीं रहण दित्ती होणी,
तेरी इज्जत नूं जरूर डाका मारिया होना ते हजरत सफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सफा बोल के की फरमांदियां ने वे मेरे वीर अदी गल सुन लै जेड़ियां मैं हयावां ते शर्मा नबी दे सहाबा दियां अखां विच वेखियां ने मैं ओ मैं शाना तेरियां अखां दे विच वी नहीं वेखियां ओ इज्जतां मैं तेरे घर दे अंदर वी नहीं पाईयां ते फरमांदियां ने कदी इन्हां दा पीर वेल है तेरियां हैरतां गुम हो जान काफर नी लड़की अजे काफर है नबी दे सहाबा दी शान बयान कर रही है अल्लाह दे पाक पैगंबर दी शान बयान कर रही है ते की आंदी है सुन वे पीर पीरां दे आ पीरा सुन वे वीरा वे सोनिया वीरा सुहाबा दी शान काफर दी लड़की है अजे कलमा नहीं पढ़िया शान बयान कर रही है फरमाया सुन वे वीरा वे सोनिया वीरा एडे नी भोले पाले कौन नबी पाक दे यार नबी दे सुहाब फरमाया सुन वे वीरा वे सोनिया वीरा आए डेली पोले पाले एक बार नहीं तकिया इना मेरे वालों ते डेली करमा वाले सुन वे सोनिया वीरा एडे नी भोले पाले एक बार ना तकिया इना मेरे वालों ते एडे नी करमा वाले गल सुनिया जे तवजो करिया जे सुन वे वीरा वांग फकीरा यार मेरे वालों जरा वेखो भराओ अजी तुहानू वेखण आए हां पर मैं सुन वे वीरा सुन वे वीरा वे सोनिया वीरा एडे नी भोले पाले एक बार ना वेख्या इना मेरे वालों ते एडे नी करमा वाले सुन वे वीरा वे सोनिया वीरा या जड़े नाल नी मेरे आए पैरी ना दे टुटियां जुतियां ते टाट ने गलां विच पाए अमीर हमजा साहब हफ साहब फरमाया पैरी इन्हां दे किन्हां दे नबी पाक दे सुहाबा दे पैरी इन्हां दे टुटियां जुतियां ते टाट ने गलां विच पाए सुन वे वीरा वे सोनिया वीरा एडे नी करमा वाले ते इक वार नी तकिया इन्हां मेरे वालों ते एडे नी करमा वाले वे मेरे वीर कदी इन्हां दा पीर वेल है तेरियां हैरतां गुम हो जान भैन जिस वेले वीर नाल तुर पैंदा है भैन दे वीर दोवे जा रहे ने फरमाया भैन ने जिस वेले वीर दे ताई ते जगां दा पीर विखलाया भैन भरा ने उस वेले ते कलमा बोल सुनाया भैन ने जिस वेले वीर दे ताई ते जगां दा पीर दिखलाया भैन भरावां उस वेले कलमा बोल सुनाया नबी पाक दे यारां दी नबी पाक दे सुहाबा दी शान की है टिड्डों भुखे ते पैरां तों नंगे हाफ साहब टिड्डों भुखे ते पैरां तों नंगे बदन दुआले ने लीरां ते नाल नबी दे ने टुरदे जांदे टिड्डों भुखे पैरां तों नंगे शाह साहब टिड्डों भुखे ते पैरां तों नंगे बदन दुआले लीरां नाल नबी दे ने टुरदे जांदे ते करदे ने जंग शरीरां जे भुख लगे ते पत्थर दरख्तां दे तोड़ शताबी ने खांदे सूरत वेखण जदों पाक नबी दी ते फाके याद नहीं रहंदे कुल इन कुल तुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउन युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए हज़रत शाह साहब दी आमद मरहबा।